आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रेंड्स कि प्लेन और जियोडेटिक सर्वे में क्या डिफरेंस है। इसको हम लोग एक फिगर से समझते हैं तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। आप देखिए, आपको ये पता है कि आपका जो अर्थ है उसका शेप है स्फेरिकल, एंड हो सकता है फ्रेंड्स इस स्फेरिकल शेप को आपने प्लेन एज्यूम कर लिया। क्लियर है? अब देखिए इससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जब इसका शेप स्फेरिकल था तो उस सर्वेइंग के मेथड को आप बोलते हो जियोडेटिक। ठीक है, मींस जो एक्चुअल शेप है आप एक्चुअल ही कंसिडर कर रहे हो, देन इट इज कॉल्ड जियोडेटिक सर्वे। बट है जियोडेटिक, एक्चुअल शेप तो चेंज नहीं हो सकता अर्थ का, और आपने उसको प्लेन एज्यूम कर लिया, देन इट इज कॉल्ड प्लेन सर्वेइंग। नाउ से फ्रेंड्स, इस अर्थ सरफेस को अगर आपने प्लेन माना है तो मैं यहां पे दो पॉइंट फिक्स कर रहा हूं, ए एंड बी। अब आपने अपना एक इंस्ट्रूमेंट सेट किया है जो आपको आर एल निकालने में हेल्प करता है। ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है, हम लोग डिटेल में देखेंगे लेवलिंग का मेथड क्या है। आई होप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड आपको याद होगा फ्रेंड्स, ठीक है, लेवलिंग के लिए यूज किया जाता है। एंड आई होप कि सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में सर्वे जो है थर्ड सेमेस्टर में ही पढ़ाया जाता है, मीन सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में ही आप सर्वेइंग जैसा सब्जेक्ट पढ़ लेते हो फ्रेंड्स। और ये चीजें प्रैक्टिकली भी आपने की है कि अगर एक पॉइंट का आरएल आपको पता है तो दूसरे पॉइंट का आरएल कैसे निकालोगे। से अगर मैंने यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया, ठीक है, ये उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक स्टाफ रखूंगा। अब इस स्टाफ में ग्रेजुएशन होंगे और ये आपको रीडिंग बताएगा, ठीक है। से इस पॉइंट का आरएल आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग, जिसको आप बेंचमार्क भी बोल सकते हो। से इट इज 100 मीटर। नाउ हियर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज 2 मीटर। नाउ मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस पॉइंट बी पे भी आपको 2 मीटर की ही रीडिंग मिल रही है, तो आप आरएल ऑफ बी क्या मानोगे? इट इज बेसिकली हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दैट इज 102 मीटर। 100 मीटर ए पॉइंट का आरएल था, 2 मीटर पे आपको इस सिस्टम की हाइट मिल रही है जिसको आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल रहे हैं, तो टोटल 102 मीटर। एंड इस पॉइंट बी पे स्टाफ की रीडिंग आपको मिली 2 मीटर, हेंस आरएल ऑफ बी वुड बी इक्वल्स टू 102 माइनस स्टाफ रीडिंग 2 मीटर, दैट इज 100 मीटर। ये आपका एंड रिजल्ट आ गया। क्लियर? नाउ फ्रेंड्स, इन्हीं दोनों पॉइंट को मैं लोकेट करता हूं यहां पे, ठीक है। से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। नाउ से एट ए मैंने अगेन इंस्ट्रूमेंट सेट किया और स्टाफ रखा बी पे। सेम चीज मैं मानता हूं कि एट ए आर एल इज 100 मीटर, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज अगेन 2 मीटर और ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब मैं मान के चलता हूं मुझे यहां पे स्टाफ की रीडिंग मिलती है 5 मीटर। ऑब्वियसली यहां पे डिप्रेशन है तो आपको ज्यादा हाइट मिलने वाली है, तो इस केस में आर एल ऑफ बी क्या हो जाएगा, वुड बी इक्वल्स टू आर एल ऑफ ए प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 102 मीटर माइनस 5 मीटर स्टाफ रीडिंग आपको जो मिली है, तो ये वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स 97 मीटर। अब देखिए यहां पे आपको आरएल मिलता है 100 मीटर बी का और यहां पे आरएल मिलता है 97 मीटर बी का, तो आप देखिए एक्चुअल आरएल क्या होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए, आप देखेंगे कि इंटरव्यू में जब इंटरव्यूअर पैनल बैठा होता है वो आपको अपने दो हाथ की पोजीशन बताता है। एक हाथ को सपोज करो उसने इस पोजीशन पे रखा और दूसरे हाथ को उसने इस पोजीशन पे रखा। क्लियर? आई होप आप एज्यूम कर पा रहे हैं कि एक पर्सन है, उसने अपने एक हाथ को यहां रखा, एक हाथ को यहां रखा और आपसे पूछा ये बताओ किसकी हाइट ज्यादा है। तो फ्रेंड्स 90% स्टूडेंट बताएंगे कि इसकी हाइट ज्यादा है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। उसका रीजन ये है कि जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो तो आपको ये लगता है ऑटोमेटिकली कि अगर इस इंटरव्यू लेने वाले प्रोफेसर के सामने एक टेबल है तो आप देखते हो कि इसकी पोजीशन, इस हैंड की पोजीशन इस टेबल से कितने ऊपर है, सिमिलरली इस हैंड की पोजीशन इस टेबल से कितने ऊपर है, तो जिसकी पोजीशन ऊपर है आप उसको बोलते हो कि इसकी हाइट ज्यादा है। सिमिलरली अगर क्या होता है, यहाँ पर टेबल नहीं होता, ठीक है, सपोज करो यहाँ पर टेबल नहीं है, यहाँ पे आपका अर्दन सरफेस है, ठीक है, या मैं बोलूँ ग्राउंड सरफेस है, आप इससे भी इसकी पोजीशन चेक करते हो, इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन, अभी भी आपको आंसर यही लगेगा। क्लियर? अब मान लीजिए प्रोफेसर ये बोलता है कि आपने अपना डेटम क्या एज्यूम किया, तो आप बोलेंगे सर बॉटम, तो उसका बोलना ये होगा कि मैंने तो आपको रेफरेंस लेवल बताया ही नहीं, तो आपका आंसर अभी पूरा हुआ नहीं है,
ठीक है, हो सकता है इस प्रोफेसर ने ये बोला कि आपका डेटम इस केस के लिए ये है और इस केस के लिए ये है। अब देखिए किसकी हाइट ज्यादा हो गई, इसकी हाइट हो सकता है ये 2 मीटर हो और हो सकता है ये 0.5 मीटर हो। तो अनटिल और अनलेस आपको डेटम डिफाइन ना किया जाए फ्रेंड्स, आपका आंसर अधूरा होगा। तो वापस से मैं इसी क्वेश्चन में आता हूं। ये केस ए था, वन था, ये केस टू था। ठीक है, केस वन के लिए फ्रेंड्स आप देखिए, आपने अपने डेटम को एक हॉरिजेंटल डेटम मान के रखा है, ठीक है, इसीलिए आप इसको प्लेन सर्वेइंग बोल रहे हैं। इवन दो आपको पता है कि इसका शेप जो है वो प्लेन नहीं है, वो स्फेरिकल इन नेचर है, क्लियर है। तो इसका मतलब आपका जो डेटम होना चाहिए वो ये होना चाहिए, ना कि ये प्लेन सरफेस होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका डेटम आपने प्लेन मान लिया तो आप देखिए कहीं ना कहीं आप 3 मीटर छोड़ रहे हैं, क्लियर है, जो 3 मीटर भी आपको पॉइंट बी पे कंसीडर करना था। तो आपका एक्चुअल डेटम क्या होना चाहिए, आपका एक्चुअल डेटम यही होना चाहिए फ्रेंड्स। और जब आप यहां से 5 मीटर की रीडिंग लेंगे तो क्या मैं मान लूंगा कि आर एल ऑफ बी 97 मीटर होगा? मुझे तो यहां पे फ्रेंड्स करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो लेवल लाइन हॉरिजेंटल है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके इन लार्ज व्यू में समझाता हूं। ये देखिए, दिस इज योर इंस्ट्रूमेंट जो ऑलवेज एक हॉरिजेंटल लाइन दे रही है, बट बिकॉज ऑफ कर्वेचर आपको फ्रेंड्स इसको ये मानना होगा, मीन्स आपको इस स्टाफ की रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करना होगा जितना यहाँ पे कर्वेचर का करेक्शन आएगा। अब यहाँ पे अगर 100 मीटर है वैल्यू, ये 2 मीटर है, तो आपको मानना पड़ेगा ये जो आपकी लेवल लाइन है इंस्ट्रूमेंट की, इट इज ऑल्सो पैरेलल टू योर एक्चुअल सरफेस जो आपका जियोडेटिक सरफेस है। तो ऑब्वियस है यहां पे भी रीडिंग आपको 2 मीटर मिलेगी, ना कि 5 मीटर मिलेगी। तो आप 102 - 2 करोगे, आपको आर एल ऑफ बी 100 मीटर ही मिलेगा, क्लियर है। इधर आप ये करेक्शन अप्लाई कर सकते हो यहां पे स्टाफ रीडिंग में, या फिर आप आर एल में भी करेक्शन अप्लाई कर सकते हो। आप देखिए 97 आर एल मिला है, होना चाहिए था 100, तो आर एल का करेक्शन होगा फ्रेंड्स पॉजिटिव एंड करेक्शन ऑफ स्टाफ वुड बी नेगेटिव। तो ये जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। लेवलिंग जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड भी पढ़ेंगे, राइज एंड फॉल मेथड भी पढ़ेंगे। तो अभी जस्ट आपको मैं एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रहा हूं कि कैसा हो रहा है ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जियोडेटिक एंड प्लेन सर्वे। आई होप अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक और बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, वो भी मैं आपको यहां पर डिस्कस कर देता हूं कि एक अगर मान के चलिए कि 1 किलोमीटर में 7.85 सेंटीमीटर का फॉल होता है, तो 10 किलोमीटर में ये फॉल कितना होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी अपियर होते हैं उसमें 90% लोगों का आंसर होता है 78.5 सेंटीमीटर, बट अगर मैं इसका आंसर आपको बताऊं तो इट इज 785 सेंटीमीटर, ना कि 78.5 सेंटीमीटर। ये कैसे आया, अगेन हम लोग देखेंगे जब करेक्शंस अप्लाई करेंगे उसमें। अभी हम लोग तो सिर्फ कर्वेचर का करेक्शन देख रहे हैं, रिफ्रैक्शन करेक्शन भी आएगा। तो लेवलिंग जब पढ़ेंगे तो ये चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक चीज याद रखना जो इंपॉर्टेंट है कि हर रिलेशनशिप लीनियर नहीं होता। लाइक मैंने आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में नॉइस पॉल्यूशन पढ़ाया था, तो मैंने पूछा था आपसे कि 2 + 3 का सम कितना होगा, आपका आंसर था 5, ठीक है, और मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर 5 ही हो सकता है फ्रेंड्स। लेकिन आपको इंटरव्यू देते समय बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना सिली क्वेश्चन आपसे कोई इंटरव्यू में इसलिए नहीं पूछ रहा कि वो चेक करना चाहता है कि आपको एडिशन आता है या नहीं आता, ठीक है। आपको उससे काउंटर क्वेश्चन करना पड़ेगा कि सर व्हाट इज द यूनिट ऑफ 2 एंड 3, ठीक है ना। तो अगर इस 2 की यूनिट सेंटीमीटर है एंड 3 की यूनिट भी सेंटीमीटर है, तो आंसर तो ऑब्वियस है 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। बट अगर 2 की यूनिट सेंटीमीटर है और 3 की यूनिट मीटर है, तो अब आपका आंसर क्या 5 होगा? नहीं होगा, अब आंसर होगा फ्रेंड्स 302 सेंटीमीटर, क्लियर है। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये तो आपको लीनियर सम आपको दिख रहा है, बट अगर यहां पे लॉग टर्म इन्वॉल्व हो जाए, लाइक अगर मैं पूछूं आपको 2 dB + 3 dB कितना होगा, तो 5 dB नहीं होगा। 60 dB + 60 dB अगर मैं पूछूं कितना होगा, तो ये 120 डेसिबल नहीं होगा। इसका आंसर अगर मैं बताऊं अभी आपको, इट इज 63 डेसिबल। तो
यहाँ पे जो समेशन है वो लॉगरिथमिक समेशन है, मतलब बैकग्राउंड में उसके लॉग चल रहा है। इसीलिए फ्रेंड्स आपको यूनिट्स पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा है वहां पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो फॉल है 1 किलोमीटर में 7.85 सेंटीमीटर का फॉल है, दिस इज एक्चुअल फॉल ऑफ योर कर्वेचर। ठीक है, ये जो कर्वेचर का फॉल है दिस इज द एक्चुअल रिलेशनशिप 1 किलोमीटर में 7.85 सेंटीमीटर। एक्चुअली जब डेरिवेशन करेंगे तो दिखाऊंगा मैं आपको, इट इज बेसिकली 0.0785 डी स्क्वायर। ठीक है, एंड सीसी की वैल्यू आपको मिलेगी मीटर में एंड वेयर डी इज इन किलोमीटर। अब देखिए अगर मैंने 1 किलोमीटर रखा तो यहां पे सीसी कितना आ गया, सिंपली 0.0785 मीटर सेंटीमीटर में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.85 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन मैंने आपने आपसे पूछा था कि अगर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हो और फॉल 7.85 हो तो 10 किलोमीटर में ये वैल्यू कितनी आएगी। नाउ फॉर 10 किलोमीटर अगर आप निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.0785 मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर दैट इज 100, यू विल गेट 7.85 मीटर बिकॉज यूनिट इसकी मीटर में, और सेंटीमीटर में देखो तो इट वुड बी 785 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो आप देखिए यही मैंने आंसर बताया था, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर ये होता है। क्लियर, तो हर रिलेशनशिप लीनियर नहीं होता, यही मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और स्पेशली सर्वेइंग के लिए आपको इन छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप कि प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे में अभी आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि अगर मैं एक्चुअल स्फेरिकल सरफेस लेके सर्वेइंग परफॉर्म करता हूं देन इट इज कॉल्ड जियोडेटिक सर्वे।